सिर के ऊपर होते बाल, सिर के ऊपर होते बाल। हाथ के ऊपर होती खाल, हाथ के ऊपर होती खाल। मुंह के ऊपर होती नाक, मुंह के ऊपर होती नाक। पेड़ के ऊपर पत्ते होते, पेड़ के ऊपर पत्ते होते। तने के ऊपर होती छाल, तने के ऊपर होती छाल। सिर के ऊपर होते बाल, सिर के ऊपर होते बाल। बच्चों, तुम्हारे सिर के ऊपर क्या है? हाँ हाँ, तुम्हारे सिर के ऊपर क्या है? अच्छा भाई, सिर पर हाथ फिराओ तो। हाँ, सिर पर हाथ फिराओ। अब बताओ, क्या है तुम्हारे सिर के ऊपर? हाँ, सिर के ऊपर बाल हैं। कहाँ है बाल? सिर के ऊपर। अच्छा, अब ये बताओ, तुम किस चीज के ऊपर बैठे हो? बोलो बोलो, किस चीज के ऊपर बैठे हो तुम? अच्छा भाई, अपने मास्टर जी को बताना कि तुम किस चीज के ऊपर बैठे हो। भाई, हमारे घर में एक पेड़ है, तुमने भी पेड़ देखे होंगे। बताओ तो, पेड़ के ऊपर क्या होता है? पेड़ के ऊपर पत्ते होते हैं, टहनियां होती हैं। कहाँ होते हैं पत्ते? पत्ते पेड़ के ऊपर होते हैं। फूल कहाँ लगे होते हैं? फूल भी पेड़ पौधों के ऊपर खिलते हैं। फल भी पेड़ पौधों के ऊपर ही लगते हैं। पेड़ के ऊपर चिड़िया भी चहचहाती है। बंदर भी पेड़ों के ऊपर घूमते हैं। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। पेड़ पेड़ पर चिड़िया चहके, ऊपर देखो, ऊपर देखो। आसमान में सूरज चमके, ऊपर देखो, ऊपर देखो। कमरे की छत कितनी सुंदर, ऊपर देखो, ऊपर देखो। छत के ऊपर बैठा बंदर, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो।
ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। भाई एक बंदर था, वो कमरे की छत के ऊपर रहता था। एक बार क्या हुआ, बंदर छत से गिर पड़ा। धम, बंदर धम से घास के ऊपर गिरा। जमीन के ऊपर गिरता तो बंदर को चोट लगती, घास के ऊपर गिरा तो चोट ही नहीं लगी। कुछ दूर चबूतरे के ऊपर एक कौआ बैठा था। बंदर को ऊपर से गिरता देख वो शोर मचाने लगा, काऊ 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 काऊ। बंदर को कौए के ऊपर बड़ा गुस्सा आया, चिल्लाकर पूछा, ओ कौए, ऊपर से तो मैं गिरा, तू शोर क्यों मचाता है, है ना भाई? कौआ बोला, काओ काओ, जा जा छत के ऊपर जाकर बैठ, मैं शोर मचाऊं या चुप रहूं तुझे क्या। बस भाई, बंदर खौं खौं करता कौए के ऊपर झपटा, कौआ फुर से उड़ गया। कौए ने क्या किया, फुर से उड़ गया, बंदर धड़ाम से चबूतरे के ऊपर गिर पड़ा। चबूतरे का कोना उसके सिर के ऊपर लगा। बंदर दर्द से चिल्लाया, हाय हाय, मर गया, मैं मर गया। वहीं पर बच्चों एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर बैठी थी एक चिड़िया। पेड़ पर कौन बैठी थी, एक चिड़िया। बंदर को चबूतरे के ऊपर गिरा देखकर वो भी हंसने लगी। कौवा ऊपर उड़ गया, बंदर का सिर टूट गया। कौवा ऊपर उड़ गया, बंदर का सिर फूट गया। कौवा ऊपर उड़ गया, बंदर का सिर फूट गया। कौवा ऊपर उड़ गया, बंदर का सिर फूट गया। बंदर ने चिड़िया की बात सुनी तो दांत किटकिटाता पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। बंदर को पेड़ के ऊपर चढ़ता देखकर चिड़िया फुर से उड़ी और ऊपर की डाली पर जा बैठी। चिड़िया को और ऊपर जाता देखकर बंदर फिर ऊपर लपका। चिड़िया को पकड़ने के लिए उसने एक हाथ ऊपर बढ़ाया। चिड़िया फिर ऊपर उड़ी और ऊपर की डाली पर जा बैठी। बंदर और ऊपर गया, चिड़िया भी और ऊपर जा बैठी। होते होते बंदर पेड़ के काफी ऊपर जा पहुंचा। हाँ, ये देखकर चिड़िया ने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गई। भाई ये बताओ, आकाश कहाँ होता है? हाँ हाँ, बताओ आकाश कहाँ होता है? आकाश होता है धरती से बहुत ऊपर, पेड़ों से भी बहुत ऊपर, हाँ हम सब से भी बहुत ऊपर होता है। और ऊपर आकाश में उड़ती चिड़िया बंदर को चिढ़ाने लगी। ऊपर आकर मुझको
पकड़ो बंदर मामा, ऊपर आओ ऊपर आकर मुझको पकड़ो बंदर मामा, ऊपर आओ बंदर मामा, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ। बंदर बोला, नहीं नहीं, और ऊपर आया तो गिर पड़ूंगा। तब तक कौआ भी ऊपर उड़ता उड़ता वहां आ गया था। बोला, तुम कैसे गिर पड़ोगे? हम तो तुमसे भी ऊपर हैं। हम तो नहीं गिरे, हम तो पेड़ से भी ऊपर हैं, घर से भी इतने ऊपर हैं। अरे डरते क्यों हो, छलांग लगाओ ना। हाँ हाँ लगाओ ना, ऊपर आओ। बस भाई, बंदर कौवे की बातों में आ गया। क्या हुआ? बंदर कौवे की बातों में आ गया और पूरा जोर लगाकर वो फिर ऊपर की ओर उछला। मगर बच्चों, तुम ही बताओ, क्या बंदर चिड़िया और कौवे की तरह ऊपर उड़ सकता है? नहीं ना। हाँ, वो नहीं उड़ सकता। बस जैसे ही बंदर ऊपर उछला, मोटी डाली उसके हाथ से छूट गई। बंदर धम से नीचे गिरा। पहले तो वो मोटी डाली के ऊपर गिरा, हाँ, और फिर पतली डाली के ऊपर। पतली डाली बंदर का बोझ ही नहीं संभाल सकी और टूट गई, और घास पर आ गिरा बंदर। इस बार बंदर बहुत ऊपर से गिरा था, सो उसको चोट भी लगी। वो चुपचाप छत के ऊपर जाकर सो गया। चिड़िया फिर पेड़ के ऊपर आ बैठी और गाने लगी। बंदर मामा ऊपर आओ, ऊपर से फिर नीचे जाओ। बंदर मामा ऊपर आओ, ऊपर से फिर नीचे जाओ।